मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 11th के लेसन 2 बी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी को 36 घंटों के लगातार पंपिंग करने के बाद हम अब कुछ सेंटीमीटर तक ही पानी बचे हुए थे। मतलब जब 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद अब पानी कुछ सेंटीमीटर तक ही बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। हमें केवल पानी को उतना ही निकालना था जितना पानी अब जहाज में आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्ट। हम मुख्य मस्तूर पर अब किसी भी सेल को लगा नहीं सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगेट वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। ऐसा करने पर साथ सामान पर इतना दबाव पड़ता कि वह पेटे के क्षतिग्रस्त आग के टुकड़े कर देता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीव एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेयर। इसलिए हमने केवल तूफानी तिकोना पार फहराया तथा उस ओर चल दिए जहां मेरे विचार से दो द्वीप थे। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैक कर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन द ऑलमोस्ट 2 डेज। मेरी ने नमकीन करा मांस तक करारे बिस्कुट लाई थी तथा हमने लगभग 2 दिन के बाद पहला भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। बट आवर रिस्पाइट वेयर शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारा जो आराम था बहुत कम समय के लिए रहा, तो हमें आराम बहुत कम समय तक मिला। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनने शुरू हो गए। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. घंटे भर में हवा फिर 40 समुद्री मील की गति से चलने लगा। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। The weather continued to deteriorate throughout the night. और पूरी रात मौसम बिगड़ता रहा। And by dawn on January 5, आवर सिचुएशन वाज अगेन डिसिपरेट। और 5 जनवरी को सुबह हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक हो गई। व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट टू द चिल्ड्रेन। जब मैं बच्चों को थोड़ा सांत्वना देने गया, जान ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। दैट वी कुड मेक इट। कि हम इसे कर सकते हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। बट डैडी ही वेंट ऑन। लेकिन डैडी वह कहना जारी रखा। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन आर बी टुगेदर। हम साथ साथ रहें, यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, सू एंड आई, सू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। लेकिन उत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमिंड टू फाइट द सी। लेकिन मैं समुद्र के लहरों से लड़ने के लिए मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था बच्चों के केबिन से निकलने समय। विथ एवरीथिंग आई हैड, जो मेरे पास था, मतलब जितना साहस मेरे पास था,
जितना कुछ कुछ मेरे पास था उसके द्वारा मैं लहरों से लड़ने के लिए तैयार था। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू फाइट टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, तो टूटे हुए सबसे कमजोर वाई तरफ को मैंने बिना क्षतिग्रस्त बाई तरफ को मैंने बांधने का निश्चय किया। विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अन ऑन कमिंग वेव्स, जिधर से लहरें आ रही थी मैंने उस तरफ के भाग को बांधने का निश्चय किया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हेवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफीन, और जिसके लिए भाई नायलॉन की रस्सियों और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक के ढोल काम चलाओ लंगर बनाने में प्रयोग किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। दैट इवनिंग उस शाम मैरी और मैं सेट्स बैठे टुगेदर, साथ साथ होल्डिंग हैंड, हाथ को पकड़े। उस शाम मैरी और मैं दोनों हाथ को पकड़े हुए एक साथ बैठे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्राट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जैसा कि टूटे हुए तख्तों में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट इंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारा अंत नज़दीक है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टार्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, परंतु वे वॉकर लहरों तथा तूफान में से निकलने में सफल रही। रोड आउट तो निकलना, निकलने में सफल रहना। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टार्म, लेकिन वे वॉकर लहरों से निकलने में सफल रही। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह, विद द विंड इजिंग, और हवा धीमी होने लगी, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट पे पढ़ने का निश्चय किया, प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, और चार्ट रूम में वापस आया। आई वर्क ऑन विंड स्पीड, मैंने लहरों की गति पे काम किया। चेंज ऑफ कोर्स, मार्ग में परिवर्तन, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफआर टू कैलकुलेट, और धाराओं आदि का हिसाब लगाया। टू आवर पोजिशन, और अपनी स्थिति का हिसाब लगाया ताकि मैं जान सकूं कि हम किस स्थिति में हैं। द वेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज द वी वेयर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। मैं अधिक से अधिक यह पता लगा सका कि हम 150,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं तथा 65 किलोमीटर की द्वीप की खोज कर रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था। सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, सू दर्द सहन करते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, अब उसके सिर के बाईं तरफ का हिस्सा बहुत सूज गया था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लाइट्स, और उसकी काली आंखें छोटी होकर केवल रेखा छिद्र बन गई थी। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, कार्ड पर उसने मेरा व्यंग चित्र बना रखा था तथा ये शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वे आपको हंसा सकते हैं?
आई लाफ एट लाट एज वेल, मैं इस पे बहुत हंसा। इनसाइड वासी में, और इसके अंदर एक संदेश था, ओ हाउ आई लव बोथ यू बोथ, हम ओ आई हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। शो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और सबसे अच्छा होने के लिए है। सम ऑफ वी हैव टू मेक इट, हम इसे बना सकते हैं, मतलब हम इस काम को कर सकते हैं, हमें इस काम में सफल अवश्य ही होना है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपने गणना को चेक जांचा और एक बार पुनः जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम अपने मुख्य कंपास को खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक अतिरिक्त कंपास का प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जो सही नहीं था, जो ठीक नहीं था। फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, चुंबकीय परिवर्तनों के लिए, जो चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी थी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव को नापने के लिए। विच फ्लो थ्रू द दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर इस भाग से चलने वाली थी, उसके प्रभाव को आंकने के लिए मैंने कुछ गुंजाइश छोड़ी थी। अब ये वीडियो और थोड़ा लंबा है, इसलिए हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।